70 साल के तजुर्बात का ये आजमूदा सबक है कि गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं, कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात। गाली या गोली मसले का हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वाले कोई तहरीक कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेफाक की राय मौजूद है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा के मरकजी तकरीब से खिताब, कहा कौमों की तकसीम रियासत को कमजोर करती है। सियासी नुक्ता नजर में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दें। हमारा आज़मा इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौमी व रियासती हिकमत अमली मरबूत तौर पर मुरत्तब की गई है। अज़मा इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील नहीं होने दें। अज़मा इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं है। अज़मा इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। अज़मा इस्तेहकाम के दौरान कोई बेघर नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब, कहा मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। तहरीक खत्म नबूवत के 50 साल मुकम्मल। 7 सितंबर की मुल्की तारीख में एक संग मील की हैसियत 1974 में आज ही के दिन कौमी असम्बली ने आईनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद की तौसीक की गई। असेंबली में होने वाली तरमीम में वाज़ह किया गया कि कोई भी शख्स जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 26 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मंसूख। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत मौखर। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे की जगह फिर तब्दील। PTI रहनुमाओं ने संगजानी से सामान समेट लिया। जलसा GT रोड के करीब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। नोटिफिकेशन जारी। जलसा कल है, जाली हुकूमत के आसान अभी से खता हो गए। मुशीर इतलात के PK बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। सारे पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात की गई है। राजकुमारी ने पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है। पंजाब को कच्चे के डाकुओं के रहम करम पर छोड़ दिया गया। गरीब आवाम के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 1.75 रुपए फी यूनिट इजाफा। इजाफा सितंबर अक्टूबर नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बारिश से नाला नई में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया अलर्ट। लाहौर जड़ावाला कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। पिशावर शब कदर और दीर लोअर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। अजमा बुखारी की जाली तस्वीर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का FIA को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी।